हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मुझे दोज़ख़ो जन्नत की सैर कराई गई तो मेरा गुज़र एक ऐसी कौम से हुआ जिनके आगे और पीछे चिथड़े लटक रहे थे, वो अजाब में मुब्तला थे और चौपायों की तरह घास खा रहे थे और वो घास निहायत गर्म घास था और वो खारदार घास था, थोड़ और जहन्नुम के पत्ते तपे हुए पत्थर निकल रहे थे, जिनके आगे और पीछे चिथड़े लटक रहे थे और चौपायों की तरह चर रहे थे, वो खारदार घास खा रहे थे, थोड़ और जहन्नुम के तपे हुए पत्थर निकल रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मैंने जिब्रील अमीन से दरियाफ्त किया है, जिब्रील ये कौन लोग हैं, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं। तो हज़रत जिब्रील अमीन रदी अलैहिस्सलाम आप हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो माल की ज़कात अदा नहीं किया करते थे। ये अजाब जिनको हो रहा है, ये वो लोग हैं जो माल की ज़कात अदा नहीं किया करते थे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दुरूद पाक पढ़िए, सलातो व सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या खातमुन नबियीन। फरमाया ये वो लोग हैं जो माल की ज़कात अदा नहीं किया करते थे, और फरमाया अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं फरमाता। और फर्ज होने के बावजूद ज़कात ना अदा करना जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक और रिवायत है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता फरमाया, जिसको अल्लाह ज़वजल ने माल अता फरमाया और उसने उसकी ज़कात अदा ना की, तो क़यामत के दिन उसके माल को एक गंजे अजदहे की सूरत में लाया जाएगा, जो अपने जबड़ों से उसको पकड़ेगा और कहेगा कि मैं वो तेरा माल हूँ जिसकी तुम ज़कात अदा नहीं किया करता था। अब ज़कात का मकसद क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कद फरद अलैहिम सदकतन तुअखज़ु मिन अग्नियाइहिम फरुद्दू अला फुकराइहिम। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने लोगों पर सदका फ़र्ज कर दिया है जो उसके मालदारों से लिया जाएगा और उनके ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा। यानी ज़कात अदा करने का मकसद ये है कि जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं उनकी खैरख्वाही का जज्बा हमारे दिलों में पैदा हो और उनके लिए आसानी का सामान पैदा किया जा सके। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा खालत ज़कातु मालन कत्तु इल्ला अहलकत हु। फरमाया जिस तरह से जिस माल में से ज़कात ना निकाली गई, जिस माल में से ज़कात ना निकाली गई फरमाया और उसमें मिली जुली रही, तो मेरे आका फरमाते हैं वो माल तबाह बर्बाद हो जाता है। यानी ज़कात देने से माल पाक होता है, और अल्लाह ताला फरमाता है ज़कात तुमने देनी किस में से है, कि ये वो माल है जो तुम्हारा है या तुम समझते हो मैंने कमाया है। फरमाया नहीं, ये वो माल है जो हमने दिया है, मिम्मा रज़क़ना हुम युन्फिकून। फरमाया उस में से तुमने ज़कात देनी है जो रिज़्क तुम्हें हमने अता फरमाया है। और फिर बिशारत भी अता फरमाई, फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून।
فرمایا یہ جو بندے اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ زکوٰۃ دینے کے فضائل ہیں. اور ایک اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں کہ فطر کی زکوٰۃ کو امت پر فرض کیا گیا تاکہ وہ ان بیکار اور بے حیائی کی باتوں کا کفارہ ہو جائے, وہ ان بیکار اور بے حیائی کی باتوں کا کفارہ ہو جائے جو ان سے روزے میں سرزد ہوئے. اور پھر آگے فرمایا کہ غریبوں مسکینوں کے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے, یعنی زکوٰۃ ہمارے روزوں کا کفارہ بھی ہے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام بھی ہے. اور یہاں تک یہ بات ختم نہیں ہوئی, میرے آقا نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا. فرمایا اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو. کیوں؟ کیونکہ جس سے تم انہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃً, اے محبوب ان سے آپ صدقات لیجئے, ان سے آپ مال لیجئے. کیوں لیجئے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا. فرمایا تاکہ ان کے مال کو پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ نفس بھی ہو جائے. اللہ الصمد. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورحمتی وسعت کل شیئن. فرمایا میری رحمت کل شیئن ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اور پھر آگے فرمایا فسا اکتبہا, بس لکھ دیا, بس ان قریب لکھ دے گا اللہ عز و جل الذین ان للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو اللہ سے ڈرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور فرمایا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون, فرمایا وہی وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں. یہ زکوٰۃ دینے کے انعامات ہیں. اور ان کو ملے گا کیا, ان کو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا الذین یریثون الفردوس. فرمایا یہ جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے مال بھی وہ ہوگا جو ہم نے ان کو عطا فرمایا, ان کا اپنا نہیں ہے, ہم نے ان کو مال عطا فرمایا, اس مال میں سے یہ بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جب ہمارے دیے ہوئے مال میں سے یہ زکوٰۃ ادا کریں گے پھر ہم انہیں انعام کیا دیں گے؟ الذین یریثون الفردوس. فرمایا ان کو ہم جنت الفردوس کا مالک بنا دیں گے, ہم فیہا خالدون, اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ عز و جل انعام عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو زکوٰۃ دیں گے. جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے لیے بھی عذابات ہیں, جو زکوٰۃ دیں گے ان کے لیے دنیا و ما فیہا میں انعامات ہی انعامات ہیں. اللہ الصمد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج کی شب میرا گزر ایک ایسی قوم سے بھی ہوا کہ جو آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے تھے. وہ لوگ آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن پر اتنا عذاب ہو رہا ہے, آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیا کرتے تھے, یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا کرتے تھے, ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فلا تکلہما افم ولا تنہرہما. فرمایا اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کرو, اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کرو. اف کی اس لفظ اف کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں اف کی آواز پتہ کتنی ہے؟ فرمایا جتنا بندہ آہستگی سے سانس لیتا ہے نا
आहिस्तगी से सांस लिया जाए तो साथ वाले को पता नहीं चलता। आहिस्तगी से सांस लेने की जितनी आवाज है इतनी उफ की आवाज है। अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने वालदैन को उफ भी ना करो। कितना अदब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वालदैन का सिखाया। फरमाया वकुल्लहुमा कौलन करीमन। फरमाया जब तुम इन दोनों से बात करो कैसे करनी है, कौलन करीमन, बड़े ही प्यार भरे लहजे में और बड़े ही नरम लहजे में बात करनी है। ये मेरे आका मौला हुजूर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ बात करने का हमें सलीका सिखाया। अल्लाह अज़्ज़ोजल ने माँ बाप के साथ बात करने का सलीका सिखाया। अपने महबूब को हुक्म फरमाया, महबूब अपने उम्मतियों को फरमाइए कि अपने माँ बाप को उफ भी ना कहें और जब इनसे बात करें तो बड़े प्यार भरे लहजे में बात करें। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत के तहत कि माँ बाप से जब मुखातब होना है तो कैसे बात करनी, क्या अपना रोब झाड़ना है, क्या उन्हें हुक्म देना है। और मैं नहीं, माँ बाप की बारगाह में ऐसे हाजिर हो जैसे फकीर बादशाह की बारगाह में हाजिर होता है। और माँ बाप से जब बात करो, बात करने से पहले माँ बाप से इजाजत तलब करो, अब्बा जी मुझे इस बात करने की इजाजत है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत ता फरमाते हैं। ये मुफस्सरीन ने इसकी शरह में लिखा कि उफ का क्या मतलब है और कौलन करीमा का क्या मतलब है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महात। फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है कि तुम माँ बाप के साथ बदसलूकी करो। अल्लाह ताला ने हराम किया कि वालदैन के साथ बदसलूकी करो। अल्लाह अकबर, ये तो दुनिया है, दुनिया है। जब वालदैन फौत हो जाएं, जब वालदैन दुनिया से चले जाएं, उस वक्त भी वालदैन का हक औलाद पर रहता है, उस वक्त भी वालदैन का हक औलाद पर रहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबी उसैद साइदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, अर्ज करते हैं यह उन आप हुजूर हजरत अबी उसैद साइदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। एक शख्स आया, उसने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फकाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल बकिया मिन अबवैया शैउन अबरहुमा बिही बाद मौतिहा। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए कि माँ बाप के फौत होने के बाद उनका कोई हक बाकी रहता है जिसे मैं अदा करूं। अब देखिए, माँ बाप दुनिया में है तो उनकी खिदमत करनी है, उन्हें उफ भी नहीं कहना, उनके आगे ऊंचा भी नहीं बोलना। फरमाया माँ बाप अगर फौत हो जाएं तो उसके बाद भी औलाद पर हक है। अब वो हुजूर से पूछ रहे हैं, हुजूर मेरा कौन सा हक है जो मेरे माँ बाप का मुझ पर है, आप मुझे इरशाद फरमाइए। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी काला नाम, हाँ उनका तुझ पर हक है। कौन सा हक है? पर मैं अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिगफारु लहुमा। फरमाया उनके लिए दुआ किया करो, ये तुम्हारे माँ बाप का तुम पर हक है, और उनके लिए इस्तिगफार किया करो। और फिर आगे फरमाया व इनफाज अहदिहिमा मिन बादिहिमा। फरमाया और जो जायज वसीहत वो कर गए हैं उसे पूरा करो, जो जायज वसीहत कर गए उसे पूरा करो। वसीलतुर रहीमी लती ला तूसलु इल्ला बिहिमा। फरमाया और वालदैन से जिन लोगों का रिश्तेदारी का ताल्लुक था, वालदैन के जो संगी थे, जो दोस्त थे, जो बेली थे, जो आपकी माँ की सहेलियां थीं, फरमाया उनके साथ भी हुस्ने सलूक के साथ पेश आओ, उनकी भी इज्जत करो। ये माँ बाप का बाद वफात भी औलाद पर हक है। पहला हक उनके लिए दुआ करो, दूसरा हक उनके लिए इस्तिगफार करो, औलाद पर माँ बाप का हक। तीसरा हक जो वसीहत माँ बाप कर गए उस वसीहत को, जो जायज़ वसीहत है उसको पूरा करो। चौथा हक
फरमाया माँ बाप के, बाप के दोस्तों के साथ, बेलियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, माँ की सहेलियों के साथ, उनकी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आओ, उनकी इज्जत करो। ये मेरे आका मौला हुजूर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हक बयान फरमाए। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं जो बंदा ये चाहता है, जो बंदा ये चाहता है कि मेरे रिस्क में बरकत हो, बड़े पीरों के पास गया, दुआएं लीं, बड़े पापड़ वेले, बड़े कारोबार किए, रिजक में बरकत नहीं आ रही, पैसे नहीं आ रहे, कहा उसको वो एक अमल कर रहे हैं। लो जी आज आप सब के लिए ये नुस्खा है और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें अता फरमाया, फरमाया ये वो एक अमल कर ले। वो अमल क्या करे, जब भी नमाज पढ़े तो नमाज में अपने माँ बाप की उम्र खिजरी की दुआ करे और उनके लिए बख्शिश की दुआ करे। ये दो काम करना उसका काम है, रिजक में बरकत ता कर देना अल्लाह का काम है। फरमाया वो ये दो काम करे, ये वो कर ले और उसके रिजक में बरकत अल्लाह अज़्ज़ोजल ता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने मकाम अता फरमाया वालदेन को, और ये इस्लाम ने भी मकाम अता फरमाया। और जो उनकी नाफरमानी करता है, हजरत सैयदना बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हजरत सैयदना बकर सिद्दीक फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, उनको तकलीफ देने का सबब बनता है, तो फरमाया वो बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा करने वाले को उसके मरने से पहले दुनिया की जिंदगी में जल्द ही उसकी सजा मिल जाएगी। और आप देख लें वो लोग, वो नौजवान जो जवानी के अंदर, गुजरे जमाने में जवानी के अंदर अपने माँ बाप की तोहीन किया करते थे, उनको गालियां दिया करते थे, क्या आज वो बूढ़े जलील नहीं हो रहे? क्या आज उनकी औलादें उन्हें गालियां नहीं दे रही? ऐसा हो रहा है। फिर शिकवा का है का भाई अपनी जवानी को देखो कि तुमने कैसे गुजारी थी। मेरी वालदा के पास एक औरत आई और उसने आकर कहा कि आज मेरी बहू ने मुझे गालियां दी हैं, आज मेरे बेटे ने मुझे गालियां दी। वो थी भी हमारी अजीजा। मेरी वालदा साहिबा ने कहा कि कभी तुमने अपना वक्त शबाब भी याद किया, कभी तुमने अपना जवानी का वक्त भी याद किया है, जब तू नई नवेली दुल्हन बन के घर में आई थी और तुमने अपनी सास के साथ क्या सलूक किया था, तुमने अपने ससुर के साथ क्या सलूक किया था, क्या तुमने उनको गालियां नहीं निकाली थी? फिर आज बर्दाश्त कर, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा इंतकाम लेने वाला है। तो सामीन इज़्तिशाम, अपनी बीवी के पीछे लगकर कभी भी वालदेन को गाली ना दें। और मेरे आका ने फरमाया अगर वालदेन मुशरक भी हों, ये तो अल्लाह का हम पर एहसान है कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए और जब हमने आंख खोली तो हमने मुसलमान चेहरे देखे, मगर मेरे आका फरमाते अगर वालदेन मुशरक भी हों, काफिर भी हों, फरमाया उनके साथ भी उसने सलूक करना। और जब वो बूढ़े हो जाए, जब वो बूढ़े हो जाएं, अब जाहरी बात है नहीफ हो जाते हैं, ज़ईफ हो जाते हैं, उनके जिस्म के अंदर वो जवानी वाली ताकत नहीं रहती, वो औलाद के मोहताज हो जाते हैं, फिर क्या करना है? फरमाया कि उनका जब पैखाना तुमने साफ करना है, पेशाब साफ करना है, बदबू की वजह से जो उनके पखाने से बदबू आ रही है उसकी वजह से तुमने नाक पर कपड़ा भी नहीं रखना। ये हुक्म है मेरे आका का। और मैं जब बूढ़े हो जाए तो बदबू की वजह से नाक पर कपड़ा नहीं रखना, कहीं तुम्हारे बाप की एजा रसानी ना हो, उसका दिल ना दुखे कि आज इसको मेरे पखाने से बदबू आ रही है, जो मेरी झोली में खेला करता था, पेशाब कर दिया करता था, मैं हंसकर कपड़े बदल लिया करता था। वो मां कहेगी आज इसको मुझसे बदबू आ रही है, जिसको मैं गीले बिस्तर पर से खुश्क बिस्तर पर लेटा दिया करती थी और खुद गीले बिस्तर पर सो जाए। सर्दियों की सर्द रातें और मां की ममता का ये प्यार कितना हसीन है हमारा इस्लाम, जो मां की इज्जत करना नहीं सिखाता है।
باپ کی عزت کرنا بھی سکھاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راغما انفہو. حضور نے فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون شخص برباد ہو گیا؟ حضور کون برباد ہو گیا؟ فرمایا وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنی ماں کو اپنی زندگی میں پایا، اپنے باپ کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا عظیم ہے ہمارا اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، صلہ کیا ملے گا؟ تمہیں رب کی جنت مل جائے. صلہ کیا ملے گا؟ تم ماں باپ کی خدمت کرو، تمہیں جنتوں کا مالک بنا دیا جائے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے صبح کے وقت اپنی ماں کا دیدار کیا اور ماں کی پیشانی کو بوسا دیا پیار کے ساتھ، فرمایا میں محمد اس کو ضمانت دیتا ہوں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. ماں کا دیدار کرنے سے، باپ کا دیدار کرنے سے. ایک بزرگ ہیں وہ صبح اپنے مدرسے میں گئے تو ایک شاگرد نے کہا استاد جی میں نے کل رات کو دیکھا کہ آپ خواب میں کہ آپ کی داڑھی بڑی چمک رہی ہے، موتیوں کی طرح چمک رہی ہے، آپ نے کون سے ایسا عمل کیا کہ آپ کی داڑھی چمک رہی تھی؟ بزرگ فرمانے لگے بیٹا اور تو مجھے عمل یاد نہیں، ہاں میری ایک عادت ہے کہ جب میں رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دے کر جاتا ہوں، وہ داڑھی کے بال جو میری ماں کے قدموں پر لگ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرما دیا. یہ انعامات ہیں ماں باپ کی خدمت کے. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اماں جان سے اجازت لی کہ اماں جان کہ میں ریاضت کروں، عبادت کروں، میں اللہ اللہ کروں تاکہ میں اللہ عزوجل کی معرفت کو حاصل کر سکوں. ماں نے اجازت دے دی. میں نے کہا اماں جان مجھے اب اپنا حق معاف کر دیا. ماں نے معاف کر دیا. 11 سال عبادت کے لیے گزرتا رہا، چلتا رہا، پھرتا رہا. 11 سال گزر گئے. پھر کیا ہوا؟ ایک دن اپنے شہر کے پاس سے گزر رہا تھا، سوچا کہ چلو آج ماں کو ملتے چلتے ہیں. 11 سال ہو گئے ماں کا دیدار نہیں کیا، آج ماں کو مل لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، رات کا وقت ہو چکا تھا، میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا یہ سوچ کر کہ کہیں میری ماں بیدار ہو جائے اور اس کی نیند خراب نہ ہو جائے. میں نے کون سا اپنی ماں کو زندگی میں سکھ دیا ہے؟ احساس اولاد کے دل میں آتا ہے، میں نے کون سا سکھ دیا ہے؟ میں برات ہوں گزر گئی، کھڑا رہا. فجر کا وقت ہوا، سحری کا وقت ہوا، تہجد کے وقت، فجر سے پہلے تہجد کے وقت میری ماں اٹھی، پانی کی آواز ہے. میں سمجھ گیا اماں جی جاگتے ہیں. میں انتظار کر رہا تھا، اماں جی نے وضو کیا، وضو کے بعد نماز پڑھی. نماز کے بعد میں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اماں جی فارغ ہو چکی ہوں گی تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. 11 سال گزر گئے بایزید کو گھر سے نکلے، دروازہ کھٹکھٹایا. اب سنیے ماں کا پیار کیسا ہے، ماں کی محبت کیسی ہے، اولاد کے ساتھ ماں کی الفت کیسی ہے. لاکھوں دوست مل جائیں وہ کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، مگر واحد ماں باپ کا رشتہ ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا. فرمایا کہ 11 سال کے بعد میں نے اس دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں کی آواز آئی بایزید ٹھہر جا میں آ رہی ہوں. 11 سال کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں پہچان گئی کہ یہ اور نہیں ہے، میرا بایزید کھٹکھٹا رہا ہے. ماں نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد پوچھا کہ رب کو ڈھونڈنے گیا تھا، رب ملا کہ نہیں ملا؟ رب کو ڈھونڈنے گیا تھا، رب ملا کہ نہیں ملا؟ رب کی معرفت حاصل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اماں جان رب کی معرفت حاصل نہیں ہوئی. ماں کی آنکھوں سے آنسو آئے، ماں نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا یا الہی میرا بیٹا، میرا لخت جگر بایزید،
11 साल हो गए तुझे ढूंढते हुए, तू अभी इसे मिला ही नहीं। फरमाया मां ने ये दुआ करनी थी, मेरी चीखें निकल गई, मैं मां के कदमों में गिरा और कहा अम्मा जान, जिस खुदा को मैं पहाड़ों में ढूंढता रहा, जंगलों में ढूंढता रहा, मुझे वहां तो ना मिला, आज तेरे कदमों में मिल गया। ये मां की खिदमत का सिला है, मां के कदमों से हमें जन्नत भी मिलती है। मां के कदमों में रहे, मां की खिदमत में रहे तो हमें अल्लाह भी मिल जाता है, अल्लाह का रसूल भी मिल जाता है। अल्लाह पर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते शबे मेराज मैंने देखा एक शख्स नूर में लिपटा हुआ है, नूर में लिपटा हुआ है, इसके चारों तरफ नूर ही नूर है। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील ये कौन है, क्या ये कोई नबी है? जिब्रील अमीन का अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह नहीं, ये नबी तो नहीं। फिर कौन, क्या ये कोई वली है? हुजूर वली भी नहीं है। क्या कोई अजीम फरिश्ता है? नहीं, फरिश्ता भी नहीं है। ए जिब्रील फिर ये कौन है? फरमाया या रसूलल्लाह ये वो है जिसने कभी भी अपने माँ बाप को गाली नहीं दी थी। ये वो शख्स है जिसने कभी भी अपने माँ बाप को झिड़का नहीं था, इसने जब भी बोला तो अपने माँ बाप के साथ भलाई वाला बोल बोला था। दोस्ताने ग्रामी, इससे ये पता चला कि जो माँ बाप की खिदमत करता है, हुजूर फरमाते हैं वो कभी जन्नती है। और हुजूर फरमाते हैं वो जन्नती ही नहीं बल्कि वो परोज़े कयामत जन्नत में नूर में लिपटा हुआ होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो दूसरा शख्स था, ये दूसरा मुशाहिदा जो आका अलैहि सलाम ने फरमाया माँ बाप की खिदमत करने वाले के बारे में हुजूर अलैहि सलाम ने इरशादात फरमाए। अब हुजूर फरमाते हैं कि मेरा सफर कुछ आगे गुजरा तो मैंने देखा कि एक शख्स उसके मुंह में आग के बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं और उसके होंठ ऊंट के होंठों की तरह बड़े बड़े। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल खाया करते थे। और फिर आगे वो आयत मुबारक तिलावत की, फरमाया अल्लज़ीन याकुलून अमवाल यतामा ज़ुल्मन, फरमाया वो लोग जो जुल्म के साथ यतीमों का माल खाते हैं, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो लोग अपने पेटों के अंदर आग भरने वाले हैं। अल्लाह अकबर। ये वही सुनाई कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो दुनिया में तो जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। ये वो शख्स था जो यतीमों का माल खाता था, अब आइए जो यतीमों से प्यार करता है, यतीमों पर दस्ते शफकत फेरता है, उसके बारे में मेरे आका मौला ने क्या अर्शाद फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खैर बैतिन फिल मुस्लिमीना बैतुन फीही युहसनु यतीमुन यतीमुन युहसनु इलैही। मेरा आका फरमाते हैं मुसलमानों के घर में सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम के साथ हुस्ने सलूक किया जाता है। मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीमों के साथ हुस्ने सलूक किया जाता है। और मेरे आका फरमाते हैं मुसलमानों के घरों में बदतरीन घर वो है, बदतरीन घर वो है बैतुन फीही यतीमुन युसाउ इलैही, फरमाया जिसमें यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाता है। अल्लाह अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस किसी कौम के दस्तरखान पर, जिस किसी कौम के दस्तरखान पर कोई यतीम बैठता है, देखिए अगर आज आप चाहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत हो, अगर आज आप चाहते हैं कि हमारे पास दुनिया और दीन का माल वाफर आ जाए, ईमान की हरारत नसीब हो, दिल नरम हो जाए, तो मेरे आका का ये नुस्खा अपना लीजिए, इंशाल्लाह दीन और दुनिया में खैर ही खैर हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं जो ये चाहता है कि जिस किसी कौम के दस्तरखान पर यतीम आकर बैठ जाए, फरमाया जिस दस्तरखान पर यतीम आकर बैठेगा उस दस्तरखान से शैतान हमेशा दूर रहेगा।
जिस दस्तरखान पर यतीम आकर बैठेगा उससे शैतान हमेशा दूर रहेगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्न रजुलन शक्कन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत कल्बी। एक शख्स हुज़ूर अलैहि सलाम की बारगाह में आया, उसने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त हो चुका है, हुज़ूर कोई नुस्खा अता फरमाइए। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, दिल की नरमी का नुस्खा चाहते हो? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, फिर सुनो, आज वो शख्स जो कहता है कि मुझे किसी पर रहम नहीं आता, दिल बहुत सख्त हो गया, अजाबाते इलाही को सुनता हूँ रोना नहीं आता, कभी खौफे खुदा तारी नहीं हुआ, कभी हुजूर की मोहब्बत में आंसू ही नहीं निकले, कभी मदीना मुनव्वरा की याद में आंखों से आंसू ही नहीं निकले, दिल सख्त हो गया है, कोई कैसा भी बयान कर ले रोना नहीं आता, कैसा भी जिक्र हो जाए आंखों से आंसू नहीं निकलते, आइए बारगाहे मुस्तफबी से हम सब ये नुस्खा लें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि तेरा दिल नरम हो जाए, इन साहरासल यतीमी व अतइम मिल मिस्कीनी, मेरे आका फरमाते हैं, तो फिर ऐसा किया कर कि यतीमों के सरों पर हाथ फेरा कर और मस्कीनों को खाना खिलाया कर। फरमाया, ये दो काम तू कर ले, अल्लाह ताला तेरे दिल को नरम फरमा। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला, मैं और यतीम की कफालत करने वाला क्यामत के दिन इस तरह से होंगे। हजरत सहल फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों उंगलियां, शहादत की उंगली और उसके साथ वाली उंगली को खड़ा फरमाया, फरमाया हम दोनों क्यामत के दिन इस तरह से होंगे, यानी जिस मर्तबे को गौश नहीं पहुंच सकता, कुतुब अब्दाल वली नहीं पहुंच सकता, उस मर्तबे को, उस रफाकत को यतीम की कफालत करने वाला पहुंच जाएगा, उस मर्तबे को यतीम की कफालत करने वाला पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे पहली बात तो ये पता चली इस हदीस मुबारका से कि जो यतीम की कफालत करेगा, हुजूर फरमाते वो जन्नती होगा। जो यतीम की कफालत करेगा वो जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस में होगा, और सिर्फ जन्नतुल फिरदौस में नहीं होगा, फरमाया वो मेरा हमसाया होगा। ये यतीम की कफालत करने का इनाम है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना ज़ुरारा बिन अबू उका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हज़रत मालिक इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने दो मुसलमानों के दरमियान किसी यतीम के खाने और पीने की जिम्मेदारी ली, जिसने दो मुसलमानों के दरमियान किसी यतीम के खाने और पीने की जिम्मेदारी ली, अब उसके लिए इनाम सुनिए क्या होगा। फरमाया, यहां तक कि उसे बेपरवाह कर दिया, यानी वो जवान हो गए, अपना कमाने वाले हो गए, अपना काम करने वाले हो गए, अब इनाम सुनिए उस शख्स का क्या इनाम होगा जो यतीम की कफालत करेगा, जिम्मेदारी लेगा। मेरे आका फरमाते हैं, मैं मोहम्मद उसको जमानत देता हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह उसे जन्नत का मालिक बना देगा। जो यतीम की कफालत करेगा, कितना इनाम है। आज अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन बच्चा यतीम है और वो हमारे माल का मुस्तहिक है, हमारी कफालत का मुस्तहिक है, उसके कफील बनिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम के इनामात को अपने दामन में समेट लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अज़्ज़ल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ल मेरी इस हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए, हमें माँ बाप की सही मानों में खिदमत करने वाला बनाए, यतीमों के साथ, मस्किनों के साथ, गरीबों के साथ प्यार करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।